हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की क्लास में हम करने वाले एयरफोर्स ग्रुप वाई का जो रेगा का मॉक टेस्ट होता है उसका जो सीरीज चल रहा है उसको पांचवा नंबर है, ठीक है, फिफ्थ। और मैं एक दिन अल्टरनेट करके वीडियो दे रहा था बिकॉज रेगा का वीडियो आपका कंप्लीट नहीं हुआ था इसका, ठीक है। लेकिन इससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं बोल दूँ कि रेगा का जो मॉक टेस्ट मैंने 4 कराया था, हर मॉक टेस्ट में मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे जिसमें से जो कैंडिडेट सही आंसर देते हैं मैं उसका जो है उस कैंडिडेट्स का नाम लेता हूँ, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन मॉक टेस्ट नंबर 4 में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर एक कैंडिडेट्स को छोड़कर किसी ने गलत नहीं लिया था, लेकिन जो एक कैंडिडेट्स ने आंसर सही बताया उसका नेम भी मैं अभी नहीं लूँगा बिकॉज उन्होंने बहुत मतलब आज बताया, 3-4 दिन के बाद आंसर सही किया, पहले उन्होंने भी गलत आंसर दिया था, ठीक है। मेरे हिंट देने के बाद जब मैंने बोला कि वो आंसर आपने गलत दिया है फिर जाके चेक किया उन्होंने। पहले उसका आंसर हम लोग चेक कर लेते हैं क्या होगा। देखो ये जो क्वेश्चन है मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा था इस वाली रीजनिंग का कि जो सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं उनमें से कुछ हिंदी जानते हैं, तो जो हिंदी जानते हैं वो बांग्ला जानते हैं, तो इसका परफेक्ट मतलब जो सूटेबल डायग्राम कौन सा होगा। लेकिन किसी कैंडिडेट्स ने आंसर सही नहीं दिया, किसी ने बी दिया, किसी ने सी दिया, बाकी डिफरेंट डिफरेंट था उनका। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखो सभी लोग अंग्रेजी जानते हैं, जितने भी लोग हैं सभी के सभी अंग्रेजी जानते हैं, तो मान लो एक सर्कल के अंदर आ गए सारे अंग्रेजी जानने वाले, ठीक है, उनमें से कुछ जो है हिंदी भी जानते हैं, कुछ लोग जो हैं इसके अंदर जो हैं वो हिंदी जानते हैं, ठीक है, जो हिंदी जानते हैं वो बांग्ला जानते हैं। अब यही लोग जो हिंदी जान रहे हैं ना वही बांग्ला जानते हैं, तो इसके लिए अलग से डायग्राम बनाने की क्या ज़रूरत है, बस तो हो गया ना, जो हिंदी जानता है वो बांग्ला जानता है, तो इसके लिए कोई अलग से डायग्राम नहीं बनेगा। बिकॉज इसके अंतर्गत मान लो 10 लोग हैं तो ये 10 हिंदी और बांग्ला दोनों जानते हैं, तो इसके लिए 2 डायग्राम कैसे बन सकता है। अगर मान लो हम इसमें से ऐसे खींच देते हैं एक डायग्राम और, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोग बांग्ला जानते हैं इसमें से कुछ लोग बांग्ला जानते हैं उनको हिंदी नहीं आती, इसका मतलब तो ये हो जाएगा, ठीक है। बट परफेक्ट ये जो अंदर वाले हैं लोग हैं वो हिंदी और बांग्ला दोनों जानते हैं, और बाहर वाले कंप्लीट जो हैं अंदर बाहर मिलाकर वो कंप्लीट इंग्लिश जानते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। एक कैंडिडेट्स का आंसर सही था, बाकी किसी का नहीं, वो भी सही था 3 दिन के बाद, ठीक है। अभी आज के मॉक टेस्ट नंबर 5 में हम देखेंगे कौन सा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। तो मॉक टेस्ट नंबर 5 का जो है, फिफ्थ का हमारा जो है, स्टार्ट करेंगे मैथ के क्वेश्चन से। हमेशा हम जीके क्वेश्चन से स्टार्ट करते थे बट आज मैथ से स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट 30 क्वेश्चन को करेंगे। देखो ये बोल रहा है 6y2 को अगर हम 4 से डिवाइड देते हैं, भाग देते हैं, तो y का सबसे अधिक जो सबसे बड़ा जो है वैल्यू क्या होगा, मतलब अधिक संभावित मान क्या होगा। इसमें से एक से अधिक आंसर आएगा लेकिन उसमें से जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा उसको आपको चूज़ करना है, ठीक है। तो आपको चुनो यहाँ पे 6y2 y की जगह पे कौन सा वैल्यू रखेंगे, ठीक है, तो हमें 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो 4 से डिवाइड होने का रूल क्या है, कितना भी बड़ा मान लो अगर ये रहता पूरा इतना बड़ा संख्या रहता तो इसको कैसे बोलेंगे कि 4 से डिवाइड है, क्या बार बार 4 से डिवाइड करेंगे, नहीं ना, तो फिर भी y पे तो अटक जाएंगे। तो लास्ट का दो लेटर मतलब 6y2 है ना, तो y2 बस y2 को अगर हम डिवाइड दे दें 4 से और ये कट जाए कम्प्लीटली तो समझ लो वो 4 से डिवाइडेड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो जब y और 2 है, अगर हम 2 को रखते हैं यहाँ पे रखेंगे y की जगह पे 2 तो 22 आएगा, तो 22 कभी 4 से कम्प्लीट नहीं कटेगा, चलो ख़त्म करो। 7 है, 7 को अगर हम डिवाइड करते हैं 4 से तो क्या होगा, तो 18 बार में कट जाएगा। देखो 7 जो हमारा डिवाइड हो जा रहा है अगर हम y की जगह पे रख रहे हैं, तो 9 रखेंगे तो अब यहाँ पे हम 3 रखेंगे नहीं बिकॉज ये तो छोटा वैल्यू है ना, तो इसको हम रखने से क्या फ़ायदा है, 9 रखो अब 9 और 2, ठीक है, तो इसको 4 से करो डिवाइड, तो 4 दो 8 ये बचा और 4 थी 12, तो 9 रखने पे भी 92 आ रहा है, तो 92 ऑलरेडी कम्प्लीटली डिवाइडेड है 4 से, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा वैल्यू 4 आ रहा है, सॉरी 9 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, बस 4 से डिवाइड होने का रूल याद करो कि कितना भी बड़ा मान लो कोई बड़ा से बड़ा जो है संख्या मान लो दिया है, बस लास्ट का 2 यहाँ पे अगर 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो समझ लो कि पूरा का पूरा जो है संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगा। बोल रहा है यदि 25 पेन का क्रयमूल जो है, मतलब कॉस्ट प्राइस जो है 25 पेन्स का, वो 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 25 पेन को हमने जितने रुपए में ख़रीदा, ठीक है ना, तो उतना रकम हमें 20 पेन को बेचने पे ही मिल गया, ठीक है ना, तो बताओ उसका प्रॉफिट क्या होगा। जाहिर सी बात है कि मान लो 25 पेन हमने ख़रीदा मान लो 100 रुपये, मान लो यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे, मैं समझा रहा हूँ, लेकिन 20 पेन बेचते बेचते ही मुझे 100 रुपये का मेरा आ गया, तो बाकी के 5 पेन जो रह गए वो तो हमारे प्रॉफिट हो गए ना, तो वही बोल रहा है कि प्रॉफिट का यहाँ पे प्रतिशत क्या है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना होता है हमें, जब क्रयमूल और विक्रयमूल बोलता है कि इसके क्रयमूल के बराबर इसका विक्रयमूल है, तो जो विक्रयमूल दे रखा है उसको क्रयमूल मान लो और जो क्रयमूल दे रखा है उसको विक्रयमूल मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सीपी क्या हो जाएगा 20 और सेलिंग प्राइस मतलब सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस आपका 25, तो यहाँ पे क्रयमूल कम है और विक्रयमूल ज़्यादा, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25, प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, SP माइनस CP / CP होता है ना,
तो क्या होगा यहाँ पे 25 माइनस 20 क्या हो जाएगा 5, बटा में क्या हो जाएगा भाई हमारा सीपी क्या था 20 इंटू 100 क्या हो जाएगा 2 × 5 = 10, तो × 5 × 5 = 25, तो 25% का प्रॉफिट आ रहा है। आप जैसे बनाते हो बना के देख लो, ऑप्शन नंबर बी राइट है। बट अगर प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ा तो जाके हमारे चैप्टर प्लेलिस्ट से पढ़ लेना, ये सारे ट्रिक्स आपको पता चल जाएंगे कम टाइम में कैसे सॉल्व करते हैं। अभी देखो ये मिक्सचर एनालिगेशन चैप्टर से क्वेश्चन है, एक मिश्रण में 3:2 के अनुपात में स्प्रिट और पानी होता है, ठीक है, ये आपका सिलेबस में है, ये चैप्टर एयरफोर्स के एग्जाम में आएगा। यदि इसमें पानी की तुलना में 3 लीटर अधिक स्प्रिट है तो मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा क्या है, ठीक है। क्वेश्चन को आप पढ़ते रहना, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, अब सॉल्व करते हैं। देखो 3:2 के रेशियो में क्या स्प्रिट और वाटर है ना, सबसे पहले ये समझो, ये बोल रहा है 3 लीटर ज़्यादा क्या है स्प्रिट है, तो मान लो कि हमारा वाटर जो है एक्स लीटर है, वाटर को हमने माना एक्स और स्प्रिट कितना हो जाएगा एक्स प्लस 3, ठीक है ना। तो बोल रहा है 3:2 किसके है भाई स्प्रिट और पानी का ना, तो स्प्रिट का क्या था 3 + x और हमारा पानी क्या है एक्स, इसका रेशियो निकाल दो ये। अब इसको सॉल्व करो एक्स का वैल्यू आ जाएगा, और एक्स का वैल्यू जो होगा वो हमने वाटर माना है, तो वाटर में 3 को ऐड कर देना वो स्प्रिट मिल जाएगा। तो ये 2 इधर जाएगा मान लो, तो ये क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैल्यू आएगा, मतलब 2x + 6 = 3x, ठीक है। ये जो 2x इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो x = क्या हो जाएगा 6, तो x = 6 आ गया आपका। ये तो पानी का हो गया ना, बिकॉज हमने पानी को वाटर को मान रखा था x, तो हमें स्प्रिट निकालना, तो स्प्रिट 3 लीटर ज़्यादा है, तो x + 3 ना, तो 6 + 3 = क्या हो जाएगा 9, तो स्प्रिट कितना है 9 लीटर, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोल रहे हैं, एक रिटेलर मतलब दुकानदार एक वस्तु को मुद्रित मूल्य पर मतलब प्रिंटेड मूल्य समझ सकते हो, प्रिंटेड प्राइस पर 40% की डिस्काउंट मिलती है, रिटेलर इसे मुद्रित मूल्य पर बेचता है, उसका प्रॉफिट क्या होगा। देखो यहाँ पे जो जितने में वो खरीदा, ठीक है ना, बोल रहा है कि मान लो पहले एक आदमी है दुकानदार है, कहीं और से सामान खरीद के लाता है और जहाँ से वो खरीदता है लिखा हुआ है उस पर प्रिंट लिखा हुआ है 100 रुपीज़, ठीक है ना, बट उसको मिल जाता है 40% के डिस्काउंट पे। जब 100 पे हम 40% का डिस्काउंट देंगे तो कितना रुपए में मिलेगा उसको, 60 रुपए में, मतलब वो 60 रुपए में खरीदता है और उसको प्रिंट मूल पे बेचता है, मतलब 100 रुपए में ही बेचता है, ठीक है ना, मतलब उसका क्रय मूल क्या था 60 रुपीज़, मतलब जब भी परसेंटेज रहेगा तो हम 100 को मान सकते हैं अगर कोई अंक नहीं दिया है तो, और उसने बेचा कितना प्रिंट प्राइस पे, तो प्रिंट कितना था 100, तो बोल रहा प्रॉफिट कितना हुआ 40 रुपए का, तो 40/CP तो बटा इंटू 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 40/60 × 100 क्या हो जाएगा 20 × 2 = 40, 20 × 3 = 60, 200/3 किस में, ऑप्शन नंबर सी में, बाकी इसको फ्रैक्शन में भी आप चेंज कर लो तो क्या आ जाएगा हमारा 66 2/3%, ये आ जाएगा, बट आपका ऑप्शन ऑलरेडी फ्रैक्शन में नहीं है, ये आपको देख रहा हो 200/3% है। अभी क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, आप इंग्लिश में पढ़ो अगर इंग्लिश वाले मीडियम से हो तो, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। एक कार 2 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा को तय करती है और एक ट्रेन 3 घंटे में 180 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, कार और ट्रेन की गति का रेशियो निकालो, मतलब एक जो है ना कार का स्पीड है कितना हो जाएगा भाई 2 आवर्स में 80 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा भाई 2 घंटे में 80 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना 80/2 मतलब 40, मतलब कार की स्पीड जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ट्रेन का क्या हो जाएगा 3 घंटे में 180, तो 180/3 तो ये 60 हो गया ना, तो ट्रेन का क्या हो गया 60 किलोमीटर पर आवर, तो कार और ट्रेन की गति का मतलब स्पीड का रेशियो निकालो, तो 40:60 हो जाएगा ना, तो लेकिन ये तो आंसर है नहीं, तो कटाओ इसको 0 0, 2 के पहाड़े में 2 बार में और ये 3 बार में, 2:3 आ गया आपका, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। या फिर आप इजीली इसको कर सकते थे ना 80/2 = 180/3, बात वही देता हमारा, ठीक है। 2 × 8 = 8, 3 × 6 = 18, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, ये भी हमारा 2:3 आ गया ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। 2-3 मेथड आप बना सकते हो किसी से भी। अब ये बोल रहे हैं एक कैंटीन में 7 दिनों के लिए 56 किलोग्राम चावल की आवश्यकता होती है, अप्रैल और मई महीने दोनों के लिए जो है आवश्यक चावल की मात्रा क्या होगी। देखो कोई कैंटीन है जहाँ पे लोग जाते हैं खाना वगैरह खाने, ठीक है, मान लो उसमें टोटल वो 7 दिन में 56 kg चावल को क्या करता है बना देता है, ख़त्म हो जाता है उसका, तो बताओ अगर वो इस रेट से अगर चावल को खर्च करे, ठीक है ना, इस रेट से, तो पूरे के पूरे मई और अप्रैल मंथ में कितने केजी चावल को खपत करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखो एक दिन में वो कितना करेगा, पूरे
पहले तो ये समझ लो कि अप्रैल में कितने मंथ दिन होते हैं ये बताओ। मान लो अप्रैल और मई में एक दिन, एक महीने में 30 होगा तो एक महीने में 31 होगा, यही होगा ना। तो 31 प्लस 30 क्या हुआ, 61। तो 61 डेज में कितना खपत होगा, तो एक दिन में कितना होगा, 7 दिन में 56, तो एक दिन में 56/7 8 केजी, ठीक है ना। तो 61 दिन में कितना होगा, 61 × 8 8 × 48 488 केजी। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है। तो आप इसको क्या करो, सॉल्व करते जाओ, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पे जाऊंगा ना, आप वीडियो को रोक रोक के क्वेश्चन पढ़ लिया करो, ठीक है, इसमें भलाई है आपकी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है मैथ का, मे बी लास्ट क्वेश्चन है क्या, नहीं एक क्वेश्चन और है मैथ का। इसके पहले देखो क्या बोल रहे हैं, कितनी राशि पर 5 वर्षों में 6% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर 60 रुपीज़ प्राप्त होंगे, ठीक है। बोल रहे ना कि मान लो हमें कितना रुपया इन्वेस्ट किया हमें नहीं पता है, मान लो होता है ना PRT/100 = I, तो भाई P का वैल्यू नहीं दे रखा है, हमारा रेट क्या है 6%, ठीक है, टाइम है 5 ईयर्स का, 5 साल के लिए, और हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, ब्याज कितना मिल रहा है उस पर, हमें 60 रुपीज़ का मिल रहा है। तो P का वैल्यू पता नहीं, तो P छोड़ दो, मतलब रेट हमारा 6 है तो 6 लिखो, टाइम हमारा 5 है, और बटा में 100 होता ही है फॉर्मूला से, और कितने रुपये मिल रहा है, 60 रुपीज़ ब्याज के रूप में। तो ये 10 बार में कट गया और ये 5 × 10, ठीक है ना। तो ये जब 100 उधर जाएगा तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 × 2 = 200, 200 रुपये क्या हो जाएगा हमारे, पी मतलब हमारा मूलधन, ठीक है ना, मूलधन जो था वही पूछ रहा था, हमारा मूलधन क्या होगा, कितनी राशि पर, मतलब जो हमने इन्वेस्ट किया था वो तो 200 रुपये इन्वेस्ट किया था, तो हमें 60 रुपये जो हुआ इंटरेस्ट मतलब ब्याज के रूप में मिला। अभी बोल रहा है ए किसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है, बी इसे 12 दिन में कर सकता है, तो ए बी मिलकर इसे कितने दिन में कर सकते हैं। तो ए बी सब दो लोग मिलकर किसी काम को जब बोलेगा ना कि ए इतने दिन में, बी उतने दिन में, तो बस सिंपल सा तरीका है, ए इंटू बी बटा में ए प्लस में बी। अब इसको सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा, ए इंटू बी क्या है, 9 × 12 बटा में 9 + 12, तो ये क्या हो जाएगा, 9 × 2 = 18, 9 × 1 = 10, 108 बटा में इसके आ जाएगा भाई 10 × 11 और ये 21, ठीक है ना। अब इसको आप लोग क्या करो, डिवाइड दे दो, डिवाइड अगर हो जाता है तो कैसे होगा भाई, अगर हम डिवाइड नहीं देना चाहे तो यहीं से कर सकते थे, 9 × 12 = 21, उतना बड़ा कौन टेबल कटाने जाएगा, 3 के पाड़े में कटाओ 3 बार में और 7 बार में, तो क्या हो जाएगा 36/7। अब 36/7 को फ्रैक्शन के रूप में तोड़ने जाओ तो क्या हो जाएगा हमारा 5 × 1/7। तो आपका ऑप्शन कौन सा ये, ऑप्शन नंबर 5 × 1/7 ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। अभी चलते हैं जीके की तरफ, चलते हैं हम लोग। तो जीके का फर्स्ट क्वेश्चन क्या, देखो क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 9 जीके का है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से लिया गया है, ठीक है, या फिर प्रेरित है, वही चीज़ है। जैसे भारतीय संविधान पता है कि बहुत सारे कंट्री से कुछ ना कुछ हमें लिया है, ठीक है, उसका जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये जो चीज़ है वो किस कंट्री से लिया गया, तो आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, जो मैंने पढ़ाया भी था इसको लेके, किस कंट्री से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी चीज़ें ली गई है, तो ये आयरलैंड से ली गई है, ठीक है ना। चलो याद कर लेना, नीति निर्देशक कहाँ से लिया गया भाई, आयरलैंड से। अभी जो क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का उपयोग किया जाता है, मैं भी आपको पता होगा पहले से अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसमें, तो ये सैलिक्स प्यूरीपेरिया होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। इसके ऊपर और भी मैं चीज़ क्लियर करूँगा आपको, देखो ये जो हमारा साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम क्या है, सैलिक्स प्यूरीपेरिया, इसके अलावा सैलिक्स अल्बा भी बोलते हैं इसको, ALB है, ठीक है ना, सैलिक्स अल्बा भी इसको बोला जाता है, सैलिक्स प्यूरीपेरिया भी बोला जाता है, बट जनरल नाम क्या है इसका, विलो वुड के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें से जो भी आपको एग्जाम में आए, सैलिक्स प्यूरीपेरिया आ जाए या फिर सैलिक्स अल्बा आ जाए या फिर विलो वुड आ जाए, तो इनमें से जो भी हो आंसर कर देना, ठीक है ना, बिकॉज इसका जनरल नाम और साइंटिफिक नाम कुछ भी दे देता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं, प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड, मतलब यहाँ फाइंड आउट द गाइड नाम की जो पुस्तक है उसको लिखने वाला कौन आदमी है, उनको ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, मैं भी आपको पता हो पहले से, RK नारायण ने लिखा है, ठीक है, ये बुक का नाम है बुक और ऑथर का कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मान लो प्रतिवर्ष कितने नोबेल प्राइज पुरस्कार दिए जाते हैं, तो ये तो मैं भी आप बता सकते हो कि 6। अब यहाँ पे आप कमेंट करके बताओगे, आज का क्वेश्चन ये है कि जो 6 होता है वो कौन कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं, ठीक है ना, और इस बार मतलब 2019 का बताना आप, साइंस के क्षेत्र में, साइंस में जितने भी क्षेत्र में मिलते हैं उसमें किसको किसको मिला है, ठीक है ना, ये तीनों चीज़ कमेंट करके बताना। पहला कि ये बताना आपको, पहला कि तीन चीज़ या फिर दो चीज़ बताओ यहाँ पे कि कितने क्षेत्र में तो दिया जाता है, पता है 6 में, तो 6 कौन कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं, अगर तो विज्ञान के क्षेत्र में जो दिया जाता है, ठीक है ना, तो विज्ञान के कौन कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं और किसको किसको मिला है,
जितनी नॉलेज आप कमेंट करके बताना। भारत में बनी प्रथम बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? मूक फिल्म की बात नहीं की जा रही है, बोलने वाली फिल्म जो थी आलम आरा थी। तो ये बताओ कि पहली मूक फिल्म कौन सी थी जिसमें नहीं बोला जाता था। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व कोयला भंडार का प्रायः 50% किसके पास है? देखो ये तीन कंट्रीज जो ऐसे हैं जो पूरे वर्ल्ड का 50% कोयला के लिए, मतलब ये तीन लोग मिल के ही प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, यूएसए रसिया और चाइना जो है उनके पास इतना बड़ा कोयला का खदान है, स्टोर है। अभी देखो स्टोर क्या है, मतलब खदान बोल सकते हो आप लोग। अब रेड डाटा बुक जो है विश्व, उस चीज़ में क्या होता है, मतलब बोल रहा है किसका विवरण दिया गया, उस बुक में किस चीज़ के बारे में जिक्र किया रहता है। देखो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी पौधे हैं, प्लांट्स हैं, या फिर जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, जो अभी ख़त्म हो चुके हैं या फिर ख़त्म होने के कगार पे हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं संकटापन, उन सब के बारे में दिया जाता है। ठीक है, सिर्फ पौधे के बारे में नहीं, जीव जंतु के बारे में जो जिनका नस्ल ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। यहाँ पे जीके क्वेश्चन खत्म होता है, अब रीजनिंग में हम लोग इंटर कर चुके हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 है, 9 है, 25 है, 4, 16, 36, 9, 25, यहाँ पे वाट। तो बताना है वीडियो को रोक करके इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा आपका 16 का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक के बाद 9 है, फिर 25 है। देखो यहाँ पे क्लियर सा फॉर्मूला है, एक का क्यूब क्या होता है, एक होता है, वीडियो को रोक के आप सॉल्व कर सकते हो। फिर ये क्या है, एक का क्यूब है, ये तीन का क्यूब है, लिखते जाना तीन का, और ये क्या है पाँच का। ठीक है, इसमें क्या है चार का है। ठीक है, एक मिनट, यहाँ का क्या है, मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ, क्यूब नहीं है ये स्क्वायर है, ठीक है ना, ये एक का स्क्वायर है, ये तीन का स्क्वायर है, ये पाँच का स्क्वायर है, मैं क्यूब बोल रहा था बार बार। अब ये क्या है, दो का स्क्वायर है, ये चार का स्क्वायर है, ये छः का स्क्वायर है। ठीक है, इसके पहले आपने देखा एक, तीन और पाँच, अभी देखो दो, चार और क्या था हमारा छः, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे देखो क्या है भाई, थ्री है, फाइव है, मतलब इसमें ऑड नंबर है, एक को गैप करके, मतलब सिर्फ ऑड नंबर दिया गया, जैसे एक के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होता है, तीन होता है, मतलब विषम संख्या, तीन के बाद पाँच होता है, और इसमें क्या हुआ हमारा इवन नंबर है, दो के बाद चार होता है, मतलब सम संख्या, चार के बाद छः होता है। फिर इसी तरीके से इसमें ऑड का सीरीज है, तीन पाँच, तो पाँच के बाद अगला जो है विषम संख्या क्या होता है, सात होता है, तो सात का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, इस ग्राफ को देखो और बताओ कि वह संख्या ज्ञात करो जो कि मौजूद नहीं है, सभी में मौजूद है, ठीक है ना, वह संख्या ज्ञात करो जो सभी आकृति में मौजूद है, मतलब इस फिगर में ऐसा कौन सा अंक है जो एक दो तीन, इसमें जितने चार फिगर है ना चारों के अंदर आता हो, तो यहाँ पे कुछ एक, चार और छः, तो देखो एक जो है इस वाले ट्रायंगल के अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो पहले आउट हो गया। फिर चार भी देखो इस वाले ट्रायंगल से बाहर है, ठीक है, चार भी आउट हो गया। अब छः देखो इस वाले ट्रायंगल के अंदर आ रहा है तो लेकिन इस वाले ट्रायंगल से बाहर है, वो भी निकल गया, बचा हमारे पास नन ऑफ दिस, तो ऐसा कोई भी अंक नहीं है जो कि चारों के चारों फिगर में है, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, 11 इंटू 24 इंटू 13 इक्वल टू 13 11 24, मतलब जो लास्ट में है तो इसको क्या किया गया, पहले लिखा गया है, मतलब यही सीरीज आपका चल रहा है, जो सबसे पहले है उसको बीच में है और सेकेंड वाले को लास्ट में किया गया है, इसमें भी वही किया गया, तो उसी अकॉर्डिंग इसको भी आपको सॉल्व करना है, मतलब सबसे लास्ट में पहले लिखो, 12 पहले आ जाएगा और बीच वाले को लास्ट में ले जाओ जो फर्स्ट में है सेकंड में करो, 16 और ये हमारा 27, 12 16 27, ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में ही हमारा है। ठीक है, चलो तो ये हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलते हैं, अगर कैमल को MALC लिखते हैं तो ब्राइब को क्या लिखेंगे, तो वीडियो को रोक के आप लिखते रहो कैसे लिखेंगे, बट मैं आपको सॉल्यूशन पे आता हूं। देखो सबसे पहले जो सी है कैमल, उसको लास्ट में लिखा गया, ठीक है, तो वैसे हम बी जो इसमें है सबसे लास्ट में हम लिख देते हैं। फिर इसमें फर्स्ट में क्या लिखा गया, जो तीसरे नंबर पे एम था उसको फर्स्ट नंबर पे लिखा गया, तो इसमें भी हमारा तीसरे नंबर पे आई है, ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे हम आई को लिख देते हैं। सेकेंड नंबर पे किसको लिखना है, सेकेंड में वही लिखेंगे जो सेकेंड पे ऑलरेडी है, तो हमारा आई के बाद आर ही सेकेंड नंबर पे है, ठीक है। तो थर्ड पे किसको लिखना है, तो थर्ड पे किसको लिखना है, यहाँ पे देखो जो हमारा लास्ट से सेकेंड नंबर पे था उसको थर्ड नंबर पे लिखना, तो लास्ट से सेकेंड क्या हमारा बी है, तो ये क्या हो गया आई आर बी और लास्ट में भी बी, तो बचा हमारे पास एक जो है ई, तो हमने लिख दिया आई आर बी, ठीक है ना, और ई बी ऑप्शन नंबर एक को इसको फॉलो करता है। बाकी देखो अगर आपका रीजनिंग अलग तरीके से बनता है और राइट आंसर आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मे बी आप हो सकता है कि और भी शॉर्टकट में बना लो, बट आंसर सही आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहे हैं,
महेश वर्ष 1992 में एक विशेष स्थान पर जाता है और वह 29 फरवरी को वापस आने की दृढ़ संकल्प करता है, तो वह किस वर्ष वापस आएगा? देखो बोल रहा है महेश नामक कोई लड़का है, 1992 ईस्वी में वो कहीं और जाता है, मान लो अदर कंट्री में जाता है, फॉरेन जा रहा हो, और बोल रहा है कि अगली बार कब आऊँगा, जब 29 फरवरी होगा, तो 29 फरवरी का मतलब जब लीप ईयर होगा ना नेक्स्ट बार, उसी ईयर में आऊँगा, ठीक है ना, तो 29 फरवरी को आएगा, ठीक है। चलो तो आपको पता कैसे चलेगा कि ऑप्शन में से कौन सा हमारा 29 फरवरी आएगा? तो मैंने अभी बोला लीप ईयर हर 4 साल के बाद आता है, ठीक है ना, तो या तो आप इसमें 4 जोड़ दो, ठीक है ना, या फिर इसमें से किसी को भी लास्ट वाले 2 लेटर को लेके 93, 94, 95 या फिर 96, जो 4 से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है, तो समझ लेना वो लीप ईयर है, लास्ट का 2 जो है 4 से डिवाइड हो गया, तो समझ लो लीप ईयर है, उसी में आएगा। तो 1996 का क्या है, 96 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 × 2 = 8 और 4 × 2 = 16, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो 96 में आएगा, लीप ईयर है, बिकॉज 29 फरवरी लीप ईयर में होता है। या फिर आप 92 में 4 जोड़ भी दो तो क्या आएगा, 1996 ही आएगा ना। अभी देखो ये क्या बोल रहा है, मैं एक पंक्ति में दाएं से राइट से 17वें नंबर पे और 13वें बाएं से 13वें नंबर पे हूँ, तो पंक्ति में कुल कितने बचे? तो मैंने इसका भी शॉर्टकट बताया था, क्या बताया था, इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है, एन प्लस में एल माइनस वन। इसके 2-3 टाइप्स के क्वेश्चन है, मैंने सारे की ट्रिक बताई हुई है, अगर पूरा मॉक टेस्ट आप देखते शुरू से रीजनिंग वगैरह सब कुछ, तो आपको क्लियर हो जाता। तो इजीली देखो, जब राइट से लेफ्ट से वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है, इतने हैं, इतने नंबर पे हूँ मैं, और लेफ्ट से इतने नंबर पे हूँ, तो टोटल कितने बचे हैं, तो दोनों को जोड़कर 1 घटा दो, ठीक है ना, 17, 13 कितना हो जाएगा हमारा, 30 हो जाएगा, 30 - 1 = 29, ठीक है ना, 29 राइट आंसर हो जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे 30 होगा, 30 क्यों हो जाएगा भाई, अगर मैं अपने आप को काउंट करता हूँ राइट से 13 नंबर पे हूँ, और फिर मैं लेफ्ट से एक बार काउंट करता हूँ 17 नंबर पे, तो मैंने अपने आप को 2 बार काउंट किया कि नहीं, तो एक बार मुझे हटना है, तो 1 माइनस मैंने किया कि नहीं, वही करना है ना, 17 + 13 - 1। अभी देखो क्यू पी से छोटा है लेकिन एल से बड़ा है, ठीक है, यहाँ पे लिखते जाओ, क्यू जो है पी से छोटा है, मतलब पी इससे बड़ा है और ये एल से बड़ा है, ठीक है ना, मतलब पी क्यू से बड़ा है, ठीक है ना, या फिर बोलो क्यू जो है पी से छोटा है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे देखो S जो है T से बड़ा है, S किससे बड़ा है, T से, ठीक है ना, लेकिन L से छोटा है, L से छोटा कौन है, S, लेकिन ये T से बड़ा है, तो T नीचे आ जाएगा, तो सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा लास्ट में T आया ना, ऑप्शन नंबर B, ठीक है, रैंकिंग का था, पोजीशन को क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अभी देखो डायरेक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, रमेश और अरुण एक मूल बिंदु से विपरीत दिशा में जाते हैं और 6 किलो, मतलब एक इधर जा रहा है तो एक इधर जाएगा, ठीक है, 6 किलोमीटर व 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाते हैं। देखो 6 किलोमीटर नहीं जाते हैं, ये उनका स्पीड है कि 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाते हैं, ठीक है, और एक जो है 8 किलोमीटर जाता है, तो बताओ 3 घंटे बाद वो कितनी दूरी पे जाएंगे। देखो 1 घंटे में जब 6 किलोमीटर जाएगा, तो 3 घंटे में क्या आ जाएगा, 18, 6 × 3 = 18 किलोमीटर, मान लो एक गया 18 किलोमीटर और 8 घंटा तक दूसरा चला था ना, तो एक गया 24 किलोमीटर, 8 × 3 = 24, ठीक है, 8 × 3 = 24, तो अब टोटल डिस्टेंस जोड़ दो, जो वैल्यू आएगा आपका आंसर होगा, तो 8 × 4 = 12 और 3 × 1 = 2, 1 = 3 और 1 = 4, तो 42 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस क्या था हमारा, 42 किलोमीटर। मतलब ये डायरेक्शन का रीजनिंग का भी क्वेश्चन ले लिया और टाइम एंड डिस्टेंस जो होता है हमारा, मैथ का भी थोड़ा सा फॉर्मूला लग गया इसमें। अब बोल रहा है इसमें से कौन सा होगा, ठीक है ना, वीडियो को रोक के आप बताओ वाट की जगह पे क्या होगा, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आता हूं, ठीक है। अभी देखो ये 26 में क्या जोड़ा है, 3 जोड़ा है तो 29 आया, ठीक है ना, वैसे ही इसमें मान लो एक्स में क्या जोड़ोगे तो 17 आएगा, तो 14 में आप 3 जोड़ोगे तो 17 आ जाता ना, तो 14 + 3 = 17, उसी तरीके से 26 + 3 = 29, सिंपल सा था, 14 आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 25 है, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोल रही है, जे का वैल्यू जब 10 है तो MET का वैल्यू 38 हो, तो ये क्रिमिनल का वैल्यू क्या होगा। देखो इसमें किया कुछ भी नहीं है, जे अल्फ़ाबेट में 10 नंबर पे आता है तो उसको 10 लिख दिया, एम हमारा कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे, ई हमारा 5 नंबर पे और टी 20 नंबर पे, तो इनको जोड़ दिया 8 और ये 3, तो 38 लिख दिया। वैसे ही क्रिमिनल में हर एक, ये तो रीजनिंग बहुत ईजी है बट टाइम टेकन है ना, इसलिए आपका टाइम जो है चला जाता है एग्जाम में, तो बट बनाना पड़ेगा, अल्फ़ाबेट याद कर लो एग्ज़ाम में ईजी होगा। क्रिमिनल का जैसे सी 3 नंबर पे आता है, आर हमारा 18 नंबर पे आता है लिख लो, और इसके बाद आई हमारा 9 नंबर पे आता है, एम 13 नंबर पे आता है, फिर आई हमारा 9 नंबर पे आता है, एन जो है हमारा 14 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है और एल 12 नंबर पे आता है, इन सबको जोड़ दो हमारा फाइनल आंसर 79 आ जाएगा। ये आप सोच रहे हो कि याद करना मुश्किल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है अगर आप 10 बार रट के और फिर उसी पे रीजनिंग की प्रैक्टिस करते हो तो। अभी 26 में देखो क्या हमारा,
ये नॉन वर्बल का रीजनिंग है और इसमें आपको डिफरेंट चुनना होगा, ठीक है ना। इसमें से बताओ 26 में कौन सा है, 26 और 27 दोनों एक साथ देखो आप लोग वीडियो को रोक के, लेकिन मैं सॉल्यूशन पे आता हूँ। 26 और 27 में डिफरेंट क्यों ना, देखो 26 में बी डिफरेंट है बिकॉज देखो सभी लाइन के बीच में बिल्कुल भी स्ट्रेट लाइन खींचा हुआ है, ठीक है ना, चाहे लाइन कैसा भी हो लेकिन बीच वाला स्ट्रेट है। बट ऑप्शन नंबर बी में देखो जरा तिरछा करके लाइन खींचा गया है, ठीक है ना, ये देखो ये लाइन जो है तिरछा है, बाकी सब में देखो बराबर बराबर खींचा गया, ठीक है, ये डिफरेंट है ऑप्शन नंबर बी। और 27 में क्या डिफरेंट है भाई, पूरे 27 में क्लासिफिकेशन कहते हैं इसको, ये मान लो सभी के सभी जो है ना 27 में पतंग जैसे फिगर बने हुए, और ये जो डार्क वाला और ये गोल वाला सबको कॉर्नर में देखो है ना, ये कॉर्नर में क्रॉस करता है अगर क्रॉस कराते हो तो। बट ये देखो ये ना तो इसको करता है ना इसको करता है, ये जस्ट बगल में है, जस्टा पोज बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर ई जो है यहाँ पर डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 28 और 29 में देखो क्या डिफरेंट है, आपको 28 और 29 दोनों इजी लग रहे होंगे, बन भी गया होगा। देखो 29 में क्या बोल रहा है ना, 28 में बाद में आऊँगा, 29 पे देखो, ये पहले 28 ही देख लो क्या बोल रहा है। सारे के सारे डायग्राम में देखो जो एरो खींचा हुआ है सारे साइड से खींचा हुआ है, ठीक है, बट ऑप्शन नंबर ई में देखो ये एक एंगल के बीच से इसको डिवाइड कर रहा है, बाकी सभी में क्या कर रहा है साइड से खींच रहा है। देखो इसमें भी एक ना भुजा से क्या कर रहा है उसको अंदर जा रहा है एरो, इसमें भी एक साइड से अंदर जा रहा है, बट इसमें कहाँ जा रहा है एक जो कॉर्नर से ही अंदर जा रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई डिफरेंट है। अब इसमें कौन सा डिफरेंट है, तो इसमें मैं बता दूं आपको ऑप्शन नंबर डी डिफरेंट है। क्यों, ये जो सारे के सारे देखो ये वाला हाइट जो है सबका सेम है, ठीक है ना, ये दोनों लाइन का हाइट जो है सेम है, बट इसमें देखो ये दोनों लाइन जो है ऊपर नीचे वाला ये सेम नहीं है, ठीक है ना, दिख गया होगा आपको एग्जैक्टली अगर आग से ये, तो ऑप्शन नंबर डी जो है डिफरेंट है। ऑप्शन नंबर 30 में क्या है, नॉन वर्बल के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, बट कल से थोड़े टफ आएंगे नेक्स्ट सीरीज में। अब इसमें से आपको कौन सा डिफरेंट आ रहा है, वीडियो को रोक के आप इस पर थोड़ा सा गौर करो, बट मैं फाइनली आंसर पे आऊँ तो ऑप्शन नंबर डी जो है डिफरेंट है, बिकॉज इन सभी में देखो चार और एक अंदर पाँच, पाँच साइड है, पाँच भुजा है, इसके अंदर भी पाँच भुजा है, इसमें अंदर पाँच भुजा है, इसके अंदर कितनी भुजा है पाँच भुजा, लेकिन इसके अंदर कितनी है दो दो चार दो छः भुजा है। ऑप्शन नंबर डी के अंदर सिक्स साइड्स हैं, बाकी सब में पाँच है, ठीक है, इसलिए डिफरेंट है। सो आप कमेंट करके बताना कि आपका नाम क्या है, आप किस स्टेट से हो और आपके 30 आउट ऑफ कितने मार्क्स आए, ठीक है, निगेटिव करने के बाद सही कितना हुआ, गलत कितना हुआ, और गलत करने के बाद निगेटिव माइनस कर दो, सारे कमेंट करके बताना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।